जी अस्सलाम वालेकुम, क्लास मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस सर। अच्छा बच्चे, पुराने लेक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई चीज पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए, फिर अगले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम एंकल जॉइंट डिस्कस कर रहे थे और उसकी हमने हाइपोमोबिलिटी और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफॉर्मिटीज, हैलिक्स वेलगस था, फिर जो ओवर यूज सिंड्रोम्स हमने देखे थे, हाइपोमोबिलिटी की डिफरेंट कॉजेज हमने देखी थी। आज हम एंकल जॉइंट से ही मिलता जुलता जो है वो अब जॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम बेसिकली अपर लिम के ऊपर आ रहे हैं और अपर लिम जो है उसके अंदर हम रिस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो रिस्ट जॉइंट है वो मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि एंकल की तरह ही बहुत सारी उसमें बोन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मल्टीपल शॉर्ट जो हैं स्मॉल जॉइंट्स वो प्रेजेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट जॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा रिस्ट और हैंड कॉम्प्लेक्स आपकी डेली एक्टिविटीज में जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिस्ट जॉइंट का स्ट्रक्चर और फंक्शन आज थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसकी जो हाइपोमोबिलिटीज है और उससे रिलेटेड जो उसकी मैनेजमेंट है जनरल, वो हम इसको आज गो थ्रू करते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास जो है वो रिस्ट और हैंड कॉम्प्लेक्स की जो है वो एनाटमी है। बोन्स जो है वो इस तरह से अलाइंड होती हैं आपकी बॉडी में, वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो मेजर बोन्स हैं रिस्ट जॉइंट की, अगर हम बात करें जो रिस्ट जॉइंट बनता है ट्रू रिस्ट जॉइंट, उसमें आपके पास रेडियस बोन है, एक तरफ आपके पास अल्ना बोन होती है, और उसके बाद आपके पास दो कार्पल बोन्स की जो है वो रॉज होती है। ठीक है, दो रॉज की फॉर्म में जो है वो आपकी ये बोन्स जो है वो प्रेजेंट है। बट अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट किससे बन रहा है, वो आपकी रेडियस और अल्ना, और इनकी अटैचमेंट आपस में किस किस के साथ, जो आपकी प्रॉक्सिमल रो है कार्पल बोन्स की, उसमें सबसे पहले स्केफोइड आ जाती है, ल्यूनेट आ जाती है, ये आपकी रेडियस के साथ अटैच होती है। ट्राइक्विट्रियम का थोड़ा पार्ट जो है वो अटैच होगा, और साथ में ट्राइक्विट्रियम बेसिकली जो है वो ज्यादा अटैच होगी इसके साथ, अल्ना के साथ। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक और बोन भी प्रेजेंट है, जो कि हम जिसे कहते हैं पीजीफॉर्म बोन। पीजीफॉर्म बोन एक तरह की जो है ना वो सेसमोइड बोन है, जस्ट लाइक योर पटेला, जो कि टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड होती है। वो एक ट्रू जॉइंट तो नहीं बना रही है, बट टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड है, और उसके जो फंक्शन है वो एज अ जॉइंट जो है वो फंक्शन करती है, बट हम उसको ट्रू जॉइंट नहीं कहेंगे, हम उसको जो है वो फंक्शनल जॉइंट जो है वो कंसिडर करते हैं, कि उसकी मूवमेंट जो है वो ओवरऑल आपके हैंड की फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्पल बोन्स की ये जो प्रॉक्सिमल रो है, उसके बाद जो आपकी डिस्टल रो आ जाती है, उसके अंदर अगेन आपके पास चार बोन्स हैं, जो कि है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड देन हैमेट बोन आ जाती है। ठीक, ये आपकी जो दो रोज हैं आपस में ये जॉइंट बनाती हैं, जिनको हम इंटर कार्पल जॉइंट्स भी कहते हैं या मिड कार्पल जॉइंट्स हम कहते हैं, इनके दरम्यान में जो जॉइंट बन रहा है। अच्छा, अब डिस्टल रॉ जब फर्दर आगे किसके साथ जॉइंट बनाएगी, वो आगे आपके पास है मेटाकार्पल बोन्स। ठीक, अब मेटाकार्पल्स के अंदर ना हम टू से लेके फोर को अलग कंसिडर करते हैं, और फर्स्ट मेटाकार्पल जो है जो जॉइंट बनता है उसको हम अलग कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी एनाटमी फर्क है, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फर्क है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टू टू फोर है, ये आपके पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बनेंगे, सीएमसी जिनको हम कहते हैं, और ये फर्स्ट वन अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्पो मेटा कार्पल ज्वाइंट्स के बाद
अगला जो ज्वाइंट आता है वो हमारा आता है एमसीपी ज्वाइंट का, जिसका मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट आगे अब फिलिंग्स के साथ, फिलेंजिस के साथ जो आपके ज्वाइंट बनते हैं मेटाकार्पल्स के, अब वो आ रहे हैं. लाइक जो हमारे नकल्स हैं उनको हम जो एमसीपी ज्वाइंट है वो बोलते हैं. अब हमारे पास जो फिलेंजेस हैं वो हमारे पास 3 फिलेंजेस होती हैं हर फिंगर के अंदर एक्सेप्ट थंब. अब यहाँ पे आपके पास जो 3 फिलेंजेस हैं 2 से 5 तक, उसमें आपके पास जो प्रॉक्सिमल फिलिंग्स है उसके दरमियान में जो ज्वाइंट बनेगा वो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट हम उसको कहेंगे, और बिल्कुल जो फिर आपका डिस्टल फिलिंग्स के साथ ज्वाइंट बनेगा मिड का, उसको हम कहते हैं डिस्टल इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट. तो ये आपकी जो है वो टोटल हैंड की और रिस्ट की जो है ना वो एनाटॉमी है, जनरल एनाटॉमी की, कौन सा ज्वाइंट कहाँ पे किस तरह से बनना. अब अगर हम इसको देखें आगे फर्दर, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम ये जो जितने अभी सारे ज्वाइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट 5 ज्वाइंट्स के अंदर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के अंदर. अब सबसे पहला जो था इसके अंदर रेडियो कार्पल ज्वाइंट था, जो कि रेडियस और आपकी कार्पल बोन्स के दरमियान में बन रहा था. इसमें डिस्क एक प्रेजेंट होती है खासतौर पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्क है, और ये जो ज्वाइंट है वो रेडियस का डिस्क के साथ फिर आगे स्केफोइड ल्यूनेट और ट्राइकुटियम बोन के साथ जो है वो ये ज्वाइंट बनता है. पीजी फॉर्म जो है वो फंक्शनल ज्वाइंट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो रेडियो कार्पल ज्वाइंट है ये बाई एक्सियल है. बाई एक्सियल का मतलब क्या है कि ये 2 एक्सिस के अंदर जो है वो मूवमेंट को परमिट करेगा. अब वो मूवमेंट कौन कौन सी है, एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपकी जो है वो मूवमेंट हो जाएगी, सेकेंड जो आपके पास मूवमेंट आती है वो डेविएशन है, अल्ना डेविएशन या रेडियल डेविएशन, और ये हम इसको आप एबडक्शन एडक्शन भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है. तो ये हमारे पास 4 मूवमेंट जो है वो यहाँ पे परमिटेबल है, और ये बाई एक्सियल जो है वो ज्वाइंट हमारे पास बनता है. इसके बाद फर्दर आगे जो मिड कार्पल ज्वाइंट्स हैं वो बिटवीन रोज ऑफ कार्पल बोन्स हैं, और फिर हमारे पास जो है वो सीएमसी ज्वाइंट आ जाता है 2 से 5 तक का. जो 2, 3, 4 ज्वाइंट्स है ना ये यूनि एक्सियल है, मतलब इनके अंदर सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल है, इससे ज्यादा इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं. बट आपका जो 5th ज्वाइंट बनता है जो लिटिल फिंगर वाला ज्वाइंट है वो आपका मोस्ट मोबाइल ज्वाइंट है. मोस्ट मोबाइल है और वो बाई एक्सियल होने की वजह से जो है ना वो इन चारों में से मोस्ट मोबाइल है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो फिर आपकी एबडक्शन एडक्शन वाला जो फैक्टर है मूवमेंट है वो भी इसके अंदर आ जाती है, और जो आपकी डेली एक्टिविटीज के अंदर जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज है, ग्रास्पिंग है, कपिंग है, फ्लैटरिंग ऑफ हैंड है टू ग्रास्प और रिलीज ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली आपका ये जो 5th ज्वाइंट है उसके ज्यादा मोबाइल होने की वजह से यहाँ पे ये चीजें ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा रेंज अवेलेबल है. बाकी अदर देन जो बाकी आपके ज्वाइंट्स हैं 2 से 4 तक वो सिर्फ यूनि एक्सियल है, एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको मूवमेंट देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट, जो कि 1st कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट है. थंब का जो ये ज्वाइंट बनेगा ये क्योंकि थोड़ा सा फर्क है, वो किस वजह से फर्क है कि ये टाइप जो है ना ये है साइनोवियल तो है, उसके अंदर ये सेडल टाइप जो है ना वो ज्वाइंट. सेडल टाइप वाला क्या चीज होती है कि एक ही बोन के अंदर दोनों तरह की सर्फेसिस जो है वो प्रेजेंट हो, कि एक डायरेक्शन के अंदर वो कन्वेक्स शेप का हो और दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो कनकेव शेप का हो, उसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट जो है ना वो अपनी डुअल शेप की वजह से आपको दो डायरेक्शंस के अंदर जो है ना वो मूवमेंट देता है, दो एक्सिस के अंदर जो है ना वो मूवमेंट देता है, और वो हमारे पास अब यहाँ पे जो मूवमेंट आ जाती है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है और साथ में एबडक्शन और एडक्शन होती है, ठीक है. तो ये बाई एक्सियल जो है वो आपका ज्वाइंट बनता है. अब सैडल है तो इसके अंदर ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग का जो है ना वो थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि याद करें हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि कनकेव रूल होता है तो आपकी जो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग है वो मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर आपकी स्लाइडिंग ग्लाइडिंग होती है. और अगर कन्वेक्स रूल लग रहा हो किसी बोन के ऊपर ज्वाइंट के ऊपर तो जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है स्लाइडिंग ग्लाइडिंग की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होती है.
तो ये चीज है इसमें ये समझने वाली कि जो आपका ये जो सैडल ज्वाइंट है, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट थंब का जो बनता है, इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते वक्त जो बोनी सरफेस मूव कर रही होती है वो है बेसिकली आपका बोन का वो पार्ट जो कनकेव है इन नेचर, जो कनकेव इन शेप है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जो ग्लाइडिंग है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, जिस तरफ फ्लेक्शन है उसी तरफ ग्लाइड है, जिस तरफ एक्सटेंशन है उसी तरफ आपकी ग्लाइडिंग है। एबडक्शन और रिडक्शन में आपकी बेसिकली बोन का वो पार्ट मूव कर रहा होता है जो कि कन्वेक्स है, कन्वेक्स होने की वजह से अब ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जो है ना वो ऑपोजिट हो जाती है, कि एबडक्शन के अंदर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उससे अगेंस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्लाइडिंग ग्लाइडिंग है। तो अगर हाइपोमोबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और आपको मोबिलाइजेशन जो है वो करनी पड़ती है, तो आपको ग्लाइडिंग स्लाइडिंग का जो है वो देख के करना पड़ेगा कि अगर आप एबडक्शन की रेंज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसकी ग्लाइड किधर होगी, और अगर आप फ्लेक्शन को करना चाह रहे हैं तो उसकी ग्लाइड किधर होगी। रेस्ट जो हमारे पास एमसीपी ज्वाइंट्स हैं, 2 to 5 ज्वाइंट्स, वो भी आपके बाई एक्सियल हैं, कॉन्ड्रोलाइट टाइप हैं और बाई एक्सियल इन नेचर हैं। इसमें आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी परमिटेबल है और आपकी जो एबडक्शन एडक्शन है वो भी अवेलेबल है यहाँ। तो ये आपके जो है वो बेसिकली 5 ज्वाइंट्स हैं जो ओवरऑल आपके रेस्ट और हैंड के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे रुक के अगर हम अगेन वो जो कनकेव कन्वेक्स रूल है उसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो क्योंकि आपका जो रिस्ट जॉइंट है उसकी मैं आपको शेप दिखा दूँ दोबारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो अल्ना है और रेडियस है, ये दोनों बोन्स आपकी कनकेव इन नेचर है, ठीक है, कनकेव इन शेप है, और आपके ये जो कार्पल बोन्स हैं ये कन्वेक्स शेप की। तो जब भी आपका ओपन चेन मूवमेंट है जिसमें आपका हैंड जो है वो फ्री टू मूव है, तो हैंड फ्री टू मूव होने का मतलब ये है कि जो कन्वेक्स बोनी पार्टनर्स हैं वो आपके कनकेव के ऊपर मूव कर रहे हैं ओपन चेन के अंदर। दैट मींस कि ओपन चेन के अंदर आपकी जो रिस्ट जॉइंट है वो कन्वेक्स रूल को फॉलो करती है, कि इसके अंदर जो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग है वो आपकी ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी टू योर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। अब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है, यहाँ पर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो आपकी जो पाम सरफेस होती है उसको हम कहते हैं वोलर साइड, और जो हाथ की उल्टी साइड है उसको हम कहते हैं कि ये डोर्सल साइड, ठीक। अब आपने सिंपल इस चीज को देखना है कि आपके जो हैंड की या रिस्ट की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वोलर साइड पे हो रही है या डोर्सल साइड पे हो रही है। अगर तो आपकी हैंड की जो मूवमेंट है वो वोलर साइड पे हो रही है तो इट मीन्स कि जो ग्लाइडिंग है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी ग्लाइड की डायरेक्शन डोर्सल साइड पे बनेगी। और अगर आपकी जो डोर्सल मूवमेंट हो रही है लाइक एक्सटेंशन हो रही है तो उसके अंदर आपकी ऑपोजिट ग्लाइड आपको वोलर साइड पे जो है वो ग्लाइड देगी। सिंपल सी ये चीज है। बट अगर आपकी कोई जो मूवमेंट है वो क्लोज चेन मूवमेंट हो रही है लाइक जिसमें हैंड आपका फिक्स्ड है और आपकी जो रेडियस और अल्ना है वो मूव कर रही है, तो उस टाइम पे आपकी जो कनकेव सर्फेसिस है वो मूविंग बोन्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप कन्वेक्स रूल की जगह आप कनकेव रूल जो है वो फॉलो होगा, और कनकेव रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन के अंदर आपकी एसेसरी मूवमेंट जो है या जो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग है वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है कि इसके अंदर रूल कौन सा लग रहा है और किस वजह से। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम नर्व्स की बात करें तो जो नर्व्स है यहाँ पे, ये हम नर्व्स के चैप्टर में बड़ा क्लियरली और बड़ा डिटेल में हमने इस चीजों को डिस्कस किया है। हैंड और अपर लिम के जो मेजर नर्व्स हैं वो आपको पता है 3 मेजर नर्व्स हैं हैंड के केस के अंदर, मीडियन नर्व है, अल्ना नर्व है और रेडियल नर्व। और हैंड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ससेप्टेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे नर्व की इंजरी के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, जैसे कि मीडियन नर्व वो आपकी कार्पल टनल के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से और बड़ी कॉमनली जो है वो कंप्रेस कर जाती है अगर आप रेपिटेटिवली उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो अप्लाई करते हैं मैल अलाइनमेंट की वजह से, या आपका पोस्चर इस तरह का है या आपका काम जो है वो रिक्वायर करता है कि आपकी पोजिशनिंग कुछ इस तरह की रहे कि मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन बढ़ता चला जाए। ऐसे केस को फिर हम कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बोलते हैं, उसके अपने साइन सिम्टम्स हैं। अल्ना नर्व जो है वो टनल ऑफ गायन के अंदर जो है वो इम्पिंज कर जाती है। टनल ऑफ गायन क्या था कि आपके जो पीसीफॉर्म बोन है वो हैमेट बोन के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, हैमेट के हुक के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। अब जब वो उसके ऊपर प्रेजेंट है तो उसके नीचे से एक जो है ना वो छोटा सा एरिया जो है वो फ्री स्पेस क्रिएट हो जाती है जो कि टेंडन्स और बोन्स के दरमियान में बनती है।
असल में आपकी जो अल्ना नर्व है वो हैंड में यहीं से एंटर होती है। अब वो एरिया ऐसा है कि अगर आपका उसके ऊपर कंप्रेशन आता है, लाइक आप गिर जाते हो, फॉल हुआ है और आपने अपने हाथ के ऊपर वजन डाल के अपने आप को बैलेंस किया है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट प्रेशर जो है वो आपकी बोन को यहाँ पे क्या कर सकता है, इंजर कर सकता है। तो यहाँ पे अल्ना नर्व जो है वो इंजरी के चांसेस हैं। इसके अलावा जो आपकी ये जो तीनों मेन नर्व्स हैं, मीडियन है, अल्ना है, रेडियल है, इनकी अगर आप ये देखें कि जो नर्व रूट्स के लेवल पे अगर इंजरी होती है तो भी अफेक्ट आपके कहाँ पे है, हैंड की डिफॉर्मिटीज और हैंड के ऊपर जो है वो मोटर फंक्शन और सेंसरी लॉस की शक्ल में आते हैं, क्लॉ हैंड बन जाता है, एप हैंड है, क्लम्पकीज पैरालिसिस बन सकता है, अर्ब्स पैरालिसिस के केस के अंदर जो है वो आपके हैंड की डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो चाहे आपका हैंड के अंदर जो है वो नर्व इंजर हो रही है, चाहे नर्व रूट के लेवल के ऊपर हो रही है, ये अक्सर जो है वो कॉमनली जो है वो ये इंजर होने वाली नर्व्स हैं और ये आपके हैंड की जो है ना वो डिफॉर्मिटी के शक्ल में जो है ना वो अपेयर होती है। इसके अलावा रेडियल नर्व भी है यहाँ पे, जो अक्सर औकात आपके मैल प्रैक्टिस की वजह से जो इंजेक्शन जो है वो गलत जगह लग जाता है, मीडियन नर्व सॉरी रेडियल नर्व के ऊपर लग जाता है, रेडियल ग्रूव में, और उसकी वजह से जो है ना वो आपका रिस्ट ड्रॉप फिर डेवलप हो जाता है। तो ये सारी नर्व जो है ना वो आपकी यहाँ पे इंजर हो सकती है। अब आगे अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट जो है उसकी हमारे पास प्रॉब्लम सबसे पहला तो आ जाता है हाइपोमोबिलिटी का, कि डिक्रीज हो गई है आपकी रेंज ऑफ मोशन। अब उसकी मल्टीपल कॉजेज हैं, आर ए है, ओए है और पोस्ट इमोबिलाइजेशन हाइपोमोबिलिटी है। बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और रिवाइज हो रही हैं, अब तक ये चीजें जो है ना वो बड़ी अच्छे से जो है वो याद हो जानी चाहिए कि आर ए क्या होता है, ओए क्या है। आर ए बेसिकली हैंड के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो आर ए जो स्टार्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो आपके हैंड्स के स्मॉल जॉइंट्स से ही बेसिकली स्टार्ट होता है एंड देन वो आगे मूव फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स योर लार्जर जॉइंट्स। इसके अंदर एक्यूट कंडीशंस के अंदर पेन भी होती है, स्वेलिंग है, वॉर्म्थ है, आपकी साइनोवाइटिस है, टीनोसाइनोवाइटिस है, इन्फ्लेमेशंस के केसेस मतलब, और वो प्रोग्रेसिव जो है वो मस्कुलर वीकनेस की तरफ आपको पेशेंट को ले जाता है, सीटीएस कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये डेवलप हो जाता है विद टाइम और विद टीनोसाइनोवाइटिस, और जनरल जो है वो आपकी जो एक फटीक का जो एलिमेंट है मस्कुलर फटीक, वो बड़ी ज्यादा जो है ना वो आपकी डेवलप रहती है। और एडवांस स्टेजेस की अगर हम आर ए के केस के अंदर बात करें तो आपके कैप्सूल्स को ये डिजीज जो है वो इन्वॉल्व कर लेती है, वीकनेस आती है इसके अंदर कैप्सूल्स की और वो लैक्सिटी आ जाती है और इनस्टेबिलिटीज का जो फैक्टर है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, इरोजन होना शुरू हो जाती है आपकी कॉटिलेज की, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, बोन सर्विसेज जो है वो आपकी एक्सपोज ऑफ हो जाती हैं और उनकी जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से आपकी जो बोन सर्फेसेज हैं उनमें डिफॉर्मिटीज बनना शुरू हो जाती हैं, वो डी शेप होना शुरू हो जाती हैं। अब डी शेप होंगी तो आपकी जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या आती है कि एक तो लैक्सिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो आपकी सब लैक्सेशंस का कॉज कर सकती है और डिफॉर्मिटीज जो है वो बना सकती है। तो यहाँ पे जो मेन आपकी डिफॉर्मिटीज बनती हैं, काफी सारी सब लैक्सेशंस हैं, कुछ डिफॉर्मिटीज हैं जो मेजर डिफॉर्मिटीज हैं, उनमें से एक आपने नाम सुना होगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी का नाम सुना होगा, एक आपने बॉटनियर डिफॉर्मिटी का नाम सुना होगा। इसकी मैं अगर आपको पिक्चर जो है वो साथ साथ दिखा दूं तो बेहतर आसानी रह जाएगी कि ए पिक्चर जो है दैट इज द स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके जो पीआईपी जॉइंट्स हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स, इनके ऊपर हाइपर एक्सटेंशन आपको नजर आ रही होगी, एक्सेसिव एक्सटेंशन है जो नॉर्मल नहीं होती है, इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं होती है। अब यहाँ पे जो है वो ये हाइपर एक्सटेंशन का एलिमेंट ज्यादा है और जो डीआईपी जॉइंट्स है उसके ऊपर हाइपर फ्लेक्शन का एलिमेंट ज्यादा है, तो वो एक तरह से आपको वो बर्ड की जो है ना वो नेक की फॉर्म जो है वो नजर आती हुई लग रही होगी कि वो भी इसी तरह की नेक होती है, उसकी लंबी सी बीक होती है, तो वो उसको जो है वो स्वान नेक जो है उसे कंसिडर किया हुआ रेफरेंस के तौर पर। इस तरह की जो फिंगर्स की डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं इसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब इस डिफॉर्मिटी के साथ बेसिकली जो डेली एक्टिविटीज है हमको कैरी आउट करना ऑब्वियसली काफी जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो है इसकी ऑपोजिट डिफॉर्मिटी वो है
बॉटनियर डिफॉर्मिटी, बॉटनियर के अंदर जो है वो ऑपोजिट क्या आ जाएगा कि आपका जो PIP जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उसके ऊपर आपको हाइपरफ्लेक्शन नजर आ रही होगी, हाइपरफ्लेक्शन आपको नजर आ रही होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेंडन है बेसिकली एक्सटेंडेड एक्सटेंसर टेंडन, वो रप्चर्ड है. जो हमने पहले बात की कि एडवांस स्टेजेस के अंदर आपके टेंडन्स जो है वो रप्चर कर जाते हैं, यहाँ पे भी आपका ये जो टेंडन है वो रप्चर्ड है. अब टेंडन रप्चर होने की वजह से वो जो आपके फ्लेक्सर टेंडन्स से वो उनका पुल जो है ना वो बढ़ जाएगा और वो आपके ज्वाइंट को हाइपरफ्लेक्शन के अंदर जो है ना वो रखेंगे. अब दूसरी तरफ जो है वो आपका जो DIP ज्वाइंट है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, वहां पे हाइपर एक्सटेंशन जो है ना वो क्रिएट रहती है. तो ये इसकी जो है वो बॉटनियर डिफॉर्मिटी हम इसको कहते हैं. अगेन इस कंडीशन के साथ भी आपके लिए जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करना मुश्किल है. अब अगर हम सारी की सारी डिफॉर्मिटीज और सबलक्जेशन को अगर इकट्ठा जो है वो एक पेशेंट के अंदर देखें कि किस तरह से आपके हैंड्स की प्रेजेंटेशन होगी, तो ये आपके पास एक एडवांस स्टेज का पेशेंट है, RA का पेशेंट ही उसके हैंड्स की प्रेजेंटेशन है. उसमें आप गौर करें, ये आपको नोड्यूल्स बने हुए भी नजर आ रहे होंगे, जगह जगह से आपको जो है ना वो स्वोलन जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, रेडनेस नजर आ रही होगी डिफरेंट, वो आपकी स्वेलिंग को जो है वो शो कर रही है. इसके अलावा ये आपको फिंगर्स के अंदर जो है वो आपको ये डिफॉर्मिटी बनी हुई नजर आ रही होगी, बहुत ज्यादा जो है ये फ्लेक्शन आपको ये नजर आ रही है DIP के ऊपर. यहाँ पे आपको एक और अगेन डिप नजर आ रहा होगा, जो आपका अल्ना और ट्राइक्यूट्रियम बोन के दरमियान में जो जॉइंट बनता है, वहां पे आपको ये एक्सेसिव जो है ना वो डिप नजर आ रहा है. बेसिकली ये डिप क्यों है कि यहाँ पे ये जो जॉइंट था अल्ना का और ट्राइक्यूट्रियम का, ये डिसलोकेटेड है, ये सबलक्जेटेड है. जो ट्राइक्यूट्रियम बोन है ये वोलर साइड पे बहुत ज्यादा जो है ना वो सबलक्जेट हुई हुई है, और उसकी वजह से रिलेटिवली आपकी ये जो अल्ना बोन है ये बाहर की तरह ज्यादा निकली हुई है, डॉर्सल साइड पे ज्यादा निकली हुई है, ये सबलक्जेटेड जो है वो आपकी जॉइंट है. उसके ऊपर जो है वो आप डिफॉर्मिटी देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो ये भी डिसलोकेशन है इसकी, सबलक्जेशन है. तो ये ओवरऑल इसकी जो है ना ये प्रेजेंटेशन इस तरह की बनती है कि आपके RA के पेशेंट की जो है ना वो हाथों की कंडीशन कुछ इस तरह की होती है. अब आप जरा गौर करें कि इस कंडीशन के अंदर एक जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं डेली लाइफ की, वो कैरी आउट करना कितना मुश्किल होगा. इवन खाना पीना, इवन आपकी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं वो करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल आपके लिए, पेशेंट के लिए जो है वो होगा. दूसरी तरफ हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, जो एज रिलेटेड है. ये आपको पिक्चर जो नजर आ रही है इसमें जो डिफॉर्मिटीज आपको नजर आ रही हैं और जो स्वोलन जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, नोड्यूल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, ये आपके बेसिकली OA का पेशेंट है, 86 ईयर ओल्ड पेशेंट है. उसके हैंड्स की जो है ना वो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है कि एडवांस स्टेजेस का जब आर्थराइटिस है वो ज्यादातर आपका ट्रेपीजियो स्केफोइड जो जॉइंट है उसको अफेक्ट करता है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब को अफेक्ट करता है, और DIPs ऑफ जो डिजिट्स हैं, डिस्टल जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट ज्यादा करता है. तो ओवरऑल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह की बनती है. अदर देन अगर हम एज रिलेटेड की बात नहीं करते, हम ट्रॉमा रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ये जो PTA है ऊपर लिखा हुआ है, ये है पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, जिसकी हम बड़ी दफा पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो आर्थराइटिस है वो आपका या तो एज रिलेटेड होता है या फिर रेपिटेटिव ट्रॉमा रिलेटेड होता है, कि ट्रॉमा के बाद जो है वो आपकी बोन सर्फेसिस जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, डीजनरेशन की तरफ जा रही है. तो उस केस के अंदर भी अर्ली जो साइंस आपको आते हैं आर्थराइटिस के, तो वो भी फिर आपको क्या है, आपके हैंड्स को काफी ज्यादा जो है वो अफेक्ट करते हैं. तो ये OA और RA जो है वो दोनों प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपके रिस्ट को, आपके हैंड्स को, इनके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट करते हैं. देन जो थर्ड कॉज है हाइपोमोबिलिटी का है वो है पोस्ट इमोबिलाइजेशन हाइपोमोबिलिटी. अब उसमें ROM ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, जो कैप्सूल्स हैं उनकी एडिजन हो जाती है, या जो टेंडन्स हैं उनकी भी अगर एडिजन हो जाए पोस्ट इमोबिलाइजेशन में, लाइक इमोबिलाइज है आपका जॉइंट तो उसमें आपका कैप्सूल भी एडिजन उसके अंदर बन सकती हैं, आपके टेंडन्स जो हैं वो भी एक दूसरे में फ्यूज कर सकते हैं. आप जब टेंडन फ्यूज करेगा तो उसकी वो जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो बदल जाएगा. अब जब वो बदलेगा तो आपकी जो मूवमेंट है
वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. तो अल्टीमेट हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ हाइपोमोबिलिटी निकलेगा. हाइपोमोबिलिटी होगी, आपके मसल्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हुई भी हमें मिलेगी. ठीक है, अब जो कॉमन आपकी प्रॉब्लम्स हैं रिस्ट जॉइंट के केस के अंदर जो आते हैं वो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स है, लाइक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी आ जाता है, आपकी जो आई एडीएल्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो एक्टिविटीज हैं, इवन वो भी अफेक्ट होती है. जब एडीएल अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली बाकी तो अफेक्ट होनी ही होनी है. अब एडीएल्स भला क्या क्या अफेक्ट हो सकती हैं? आपकी जो सिंपल मूवमेंट्स हैं, आपने खाना खाना है, ईटिंग का जो प्रोसेस है वो आपके हाथों से, स्पून पकड़ना है, नाइफ पकड़ना है, आपने निवाला बनाना है, हर चीज में आपके जो है वो हैंड यूज हो रहे हैं, आपकी फिंगर्स यूज हो रही हैं, आपकी फाइन मूवमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है, वो आपकी अफेक्ट कर जाएंगी हाइपोमोबिलिटी की वजह से. आपकी जो हाइजीन है, हाइजीन में आपकी बाथिंग आ जाती है, आपकी टॉयलेटिंग आ जाती है, आपकी कॉम्बिंग है, आपकी ब्रशिंग है, टीथ ब्रशिंग, ये सारी चीजें आपकी हाइजीन और ये आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है. जब ये आपकी अफेक्ट करेंगी आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो ऑब्वियसली जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, लो हो जाएगी क्वालिटी आपकी. इसी के अलावा आपकी जो आई एडीएल्स हैं, लाइक अदर देन जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी जिसमें हैंड्स इन्वॉल्व हैं, लाइक आजकल आपका मोबाइल का यूज, ठीक है, हैंड्स रिक्वायर्ड है, आपकी राइटिंग जो है वो आपकी हैंड्स, उसकी फिंगर्स की फाइन मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है. आपकी कोई ना कोई हॉबी अगर है, लाइक आपकी, चले फॉर एग्जांपल शॉपिंग की हम बात कर लेते हैं, ड्राइविंग की बात कर लेते हैं, आप गार्डनिंग की बात कर लो, हर तरह की जो चीज है, आपके जो काम है, इंस्ट्रूमेंटल जो एक्टिविटीज हैं, इन सब में भी आपके हैंड्स और फिंगर्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है. तो जब इनके अंदर हाइपोमोबिलिटी आएगी तो आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज जो हैं वो अफेक्ट करेंगी और उसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगी, लो चली जाएगी, लो हो जाएगी, रिड्यूस होगी. अब अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको मैनेज किस तरह से करेंगे? पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिविटीज जो है उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिफॉर्मिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पेशेंट को गाइड करना पड़ेगा कि आपने फलां काम करना है तो कैसे करना है. ठीक है, अगर आपने लाइक आरए का पेशेंट है, हाथों की डिसेबिलिटी है, डिफॉर्मिटी है, तो आप उसको ये गाइड करेंगे आपने जो खाना खाना है, आपने अपनी ड्रेसिंग वगैरह करनी है और बाकी आपके जो एक्टिविटीज हैं उनको आपने किस तरह से कैरी आउट करना है कि वो जो आपकी डिफॉर्मिटी है वो आपको कम से कम जो है वो पेन कॉज करे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप इंडिपेंडेंट रह सके. क्योंकि बेसिक काम आपका क्या है, आपने पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखना है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से, डिफॉर्मिटीज या हाइपोमोबिलिटी की वजह से, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना हो जाए. पेन के लिए आप जो है वो मेडिकेशन को भी यूज कर सकते हो, आप थेरेप्यूटिक जो टेक्निक्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो. मेडिकेशन में आप एनसाइड्स हैं, पेन किलर्स हैं, आपके स्टीरॉइड्स हैं. ऑल्दो कि स्टीरॉइड्स को जो है वो हमेशा लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज करते हैं, कभी भी स्टार्ट में आप ये काम नहीं करते क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. थेरेप्यूटिक जो आपकी टेक्निक्स हैं उसमें आपका ग्रेड 1-2 की डिस्ट्रैक्शंस हैं, कैल्टन बॉन्ड की और मेटलैंड में जो ऑसिलेशंस हैं वो भी आप ग्रेड 1 और 2 की अगर आप देते हो तो आप दे सकते हो. बट आरए के पेशेंट के अंदर जो है वो आपको ये चीज नहीं करनी क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और आपकी लैक्सिटी भी है, इंस्टेबिलिटी भी है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है. ठीक है, और ओए के केस के अंदर भी जो मोबिलाइजेशन है वो देख के देने वाली चीज है कि आपकी अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें आप मोबिलाइजेशन ना दें क्योंकि ज्वाइंट सर्फेसिस रिड्यूस्ड होती हैं, फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है. बट ग्रेड 1-2 की डिस्ट्रैक्शन या हल्की पुल्की ऑसिलेशंस ये फिर भी जो है ना वो काबिल कबूल है क्योंकि ये आपकी पेन को मैनेज करती हैं, ये एज सच इसमें कोई खास फ्रिक्शन जो है ना वो कॉज नहीं कर रही होती. तो ग्रेड 1 और 2 जो है वो बेटर है फॉर पेन मैनेजमेंट. इंस्टेबिलिटीज के केस में आप स्प्रिंटिंग जो है वो दे सकते हैं, स्प्रिंट्स वगैरह, बट स्प्रिंट्स के केस में अगेन पेशेंट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो स्किन की केयर है वो अच्छे से करे.
क्योंकि स्प्लिंट्स जो है वो आपकी स्किन को प्रेशर सोर्स वगैरह क्रिएट कर सकती है, वुंड्स क्रिएट हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो एक अलग खाता जो है वो खुल जाएगा। तो स्प्लिंटिंग के केस में पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है कि वो अपनी जो स्किन केयर है उसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। मोबिलिटी के लिए आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पैसिव आरओएम है, असिस्टिव आरओएम है, आपकी एक्टिव आरओएम है, एक्वेटिक थेरेपी है, आप टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो हमने बिल्कुल शुरू के चैप्टर में, नर्व के चैप्टर में हमने ये चीज बड़ी क्लियरली उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि 5 डिफरेंट पोजिशन है आपकी हैंड्स की, मूवमेंट्स हैं, उनको हम सीक्वेंस के अंदर जो है वो लेके चलते हैं, उसके अंदर रेपिटेशन कराते हैं, वो आपकी मल्टीपल ज्वाइंट्स को जो है वो मूव करती है और उसमें आपके मल्टीपल टेंडन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो आपकी हाइपोमोबिलिटी को जो है वो अच्छे से एड्रेस करती है। इसके अलावा आपकी मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज हैं, मल्टीपल एंगल के ऊपर आप उसको मसल सेटिंग्स करा सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप उसको और प्रोग्रेस करेंगे कंडीशन को, ट्रीटमेंट को, आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के ऊपर आ सकते हैं, आपकी अगर नर्व की मोबिलिटी का प्रॉब्लम है आप नर्व की जो ग्लाइडिंग टेक्निक्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज रह जाती है जो बिल्कुल पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें यहाँ पे सबलक्सेशन जो है वो प्रेजेंट थी अल्ना के दरम्यान में और ट्राइक्विट्रियम के दरम्यान में, तो इसको भी रिड्यूस करना जो है वो आना चाहिए। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें और वो जो हाइपोमोबिलिटी या जो पेन था वो उसको हम थोड़ा सा बेटर कर सकें। तो वो ये है कि आपको जो है ना वो दो डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्लाइड देनी पड़ती है, इकट्ठी जो है वो हम ग्लाइड देते हैं क्योंकि आपकी ट्राइक्विट्रियम बोन बोलर साइड पर ज्यादा डिस्प्लेस्ड है, तो आपने इसको जो है वो पुश करके डॉर्सल साइड के ऊपर लेके आना है और ये बहुत ज्यादा डॉर्सल प्रेजेंट है तो आपने इसको वोलर जो है वो ग्लाइड देनी होती है। इकट्ठा जो है वो हम हैंड प्लेस करते हैं, एक हाथ हमारी फिंगर्स जो है वो ट्राइक्विट्रियम को होल्ड करती हैं, दो फिंगर्स जो है वो थंब और फिंगर आपकी अल्ना को जो है वो होल्ड करेंगी। अब इकट्ठी जो है वो आपने दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो इसको ग्लाइड करना होता है, जैकी मूवमेंट और ग्लाइड आप उसको करते हो और वो जो है वो अपनी जगह पे क्लिक के साथ जो है वो अपनी जगह पे डिस्प्ले वापस जो है वो रिड्यूस होती है और उसके बाद फिर जो है वो आप उसको बैंडेज करोगे और आप उसको जस्ट लाइक इन एक्यूट इंजरी जो है वो ट्रीट करोगे कि उसका पेन को आपको मैनेज करना है। मैम इसमें हम पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। हाँ जी मैम पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे इसमें। यहाँ पे पोस्टीरियर और इंटीरियर को छोड़ दें क्योंकि वो आपको जो है ना वो हैंड की पोजिशन जो है वो कन्फ्यूज कर देगी। आप इसको वोलर और डॉर्सल ग्लाइड समझे, पाम की तरफ होगी तो वो वोलर ग्लाइड है, हाथ की उल्टी तरफ जो है उल्टी डायरेक्शन के अंदर वो आपकी डॉर्सल ग्लाइड है। तो आपकी जो ट्राइक्विट्रियम बोन है उसको आपने डॉर्सल साइड के ऊपर जो है वो आपको ग्लाइड करने की जरूरत होती है और जो आपकी अल्ना बोन है उसको आप वोलर साइड के ऊपर जो है वो वोलर डायरेक्शन के अंदर ग्लाइड करते हो, तो वो आपकी जो है ना वो रिडक्शन हो जाती है और उसके बाद फिर आप उसको एज एक्यूट इंजरी जो है वो ट्रीट करोगे, पेन को मैनेज करोगे और उसमें जो लैक्सिटी आई है, जो मसल इम्बैलेंस आया है, फिर आप उसको जो है ना वो फिर ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ये हमारा रेस्ट जॉइंट से रिलेटेड चीजें थी। अब बुक के अंदर जो है वो आपकी इंटरवेंशंस जो है वो लिखी हुई है, एक्सरसाइजेस के किस तरह से मोबिलाइजेशन करनी है, किस तरह से आपने स्ट्रेचिंग्स करनी है, किस तरह से आपने जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, किस डायरेक्शन में कहाँ रेजिस्टेंस देंगे, ये बेटा ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद करनी है। थेरा वन में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है, सारी बेसिक्स पढ़ी है। अब ये जो एक्सरसाइजेस का पार्ट है ये आप लोग जो है ना वो अपनी बुक से जो है वो खुद पढ़ेंगे। बुक के अंदर आपका जो ऑपरेटिव जो टेक्निक्स हैं और जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसको हमने डिस्कस नहीं किया है, वो आप फिलहाल ना भी करें ओके है। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो थेरापीटिक्स के अंदर आपको हर जॉइंट की हर प्रॉब्लम की जो है वो आनी चाहिए और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज इंटरवेंशन हैं वो सारी की सारी जो है वो आपने खुद बुक से जो है वो कवर करनी है। हमारा रेस्ट जो है वो टॉपिक खत्म हो गया है, लेक्चर हमारा खत्म हो गया है, यहाँ तक चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। यहाँ तक कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो वो पूछिए। मैम मैंने आपसे कैप्सुलर पैटर्न का पूछना था, वो मुझे समझ नहीं आई थी, हर जॉइंट का जो स्पेसिफिक होता है उसका फंक्शन क्या है। मैम बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, आप काइंडली थोड़ा सा या तो ऊंचा बोलो या क्लियर बोलो। मैम कैप्सुलर पैटर्न का बता दें। अच्छा कैप्सुलर पैटर्न, कैप्सुलर पैटर्न बेटा
एक सीक्वेंस होता है। हाइपोमोबिलिटी जब एग्जिस्ट करती है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सब की सब इकट्ठी एट अ सेम टाइम वो खत्म हो जाएंगी और आपका जॉइंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है ना किसी भी मूवमेंट में मूव ही नहीं कर सकेगा। अब वो जो सीक्वेंस है कि पहले कौन सी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, उसके बाद कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी, फिर कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी, ये जो सीक्वेंस है ना इसको हम कहते हैं कैप्सुलर पैटर्न। वो सीक्वेंस जिसमें आपकी जॉइंट की मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपेयर होना शुरू होगी उसको हम कहते हैं कैप्सुलर पैटर्न। ये हर जॉइंट का जो है ना वो फर्क होता है। शायद आप लोगों ने बताया हो आपको किसी टीचर ने शोल्डर पढ़ाते वक्त या उसके कैप्सुलर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया हो कि सबसे पहले जो है वो आपका जब शोल्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपकी जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो लिमिटेड होती रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें जब रेंजेस चेक करोगे आपको एक्सटर्नल रोटेशन जो है ना वो लिमिटेड मिलेगी सबसे पहले। उसके बाद आपको जो है ना वो एबडक्शन जो है वो लिमिटेड मिलेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब प्रोग्रेस करेगी कंडीशन तो वो आपकी इंटरनल रोटेशन को भी जो है ना वो लिमिट करती चली जाएगी। तो ये सीक्वेंस है शोल्डर का जिसको हम कहते हैं शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न कि पहले कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, फिर कौन सी करेगी, फिर कौन सी करेगी, तो वो जो सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं कैप्सुलर पैटर्न। हर ज्वाइंट का जो है ना वो ये डिफरेंट होगा। ओके मैम, इसके अलावा बेटा किसी और का कोई सवाल? अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि आपको मिड टर्म से रिलेटेड ईमेल तो रिसीव हो गई होगी कि आपके जो मिड टर्म है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट भी आपको जल्दी जो है वो अनाउंस हो जाएगी और ऑन कैंपस आपके एग्जाम्स हैं तो ऑन कैंपस का जो पैटर्न है वो आपका 80% ऑब्जेक्टिव होगा और 20% जो है वो सब्जेक्टिव होगा। एक या दो जो है वो आपके पास शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, रेस्ट ऑफ द जो एग्जाम है रेस्ट ऑफ द पेपर वो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप होंगे। 50 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर है और इसके अंदर मैंने आपको जो चैप्टर नंबर है और लेक्चर नंबर वो सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर किसी की ये चीज मिस हो गई थी तो काइंडली अपना LMS खोलिएगा, उसमें अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में मिड टर्म अनाउंसमेंट के नाम से आपका एक फाइल पड़ी हुई है उसको खोल लीजिएगा और उसको जो है वो कम्प्लीटली एक दफा देख लीजिएगा। इसमें सारा कुछ जो है ना वो आपके मिड टर्म से रिलेटेड सिलेबस पैटर्न चैप्टर्स सब कुछ जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसको काइंडली एक दफा जो है वो देख लीजिएगा। सेकेंडली, आप लोगों की क्लास में से बेटा ऑन कैंपस क्लास लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, ये अच्छी बात नहीं है। सूनर और लेटर ये चीज होनी है, आपका ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये कम्प्लीटली खत्म होने वाला है। हाइब्रिड सिस्टम आपका कम्प्लीटली खत्म होने वाला है, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी जो है ना वो आदत चेंज करें और कैंपस में आके जो है ना वो क्लास लेने की अपनी आदत बनाएं। आपके बाकी सेक्शन में बच्चे आते हैं, चाहे थोड़े ही आते हैं बट आ रहे हैं ऑन कैंपस क्लास लेने के लिए। ऑन कैंपस क्लास में उनको भी फायदा हो रहा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में और कैंपस में पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। जो क्लासेस उन्होंने ऑन कैंपस आके ली हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एज कम्पेयर टू जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे उससे बहुत ज्यादा जो है। तो आप लोगों की क्लास में से जो है वो अभी तक कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स आ जाते थे, आज तो मेरा ख्याल एक भी नहीं है। तो आप लोग जो है ना वो इस चीज को अपनी अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं क्योंकि ये जरूरी है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम खत्म हो जाना है तो आपको अल्टीमेटली कैंपस में आके ही क्लास लेनी है, तो कैंपस में आने की जो एक कंडीशन है वो यही है कि आपको वैक्सीनेशन करानी है। तो जो भी आपके अब इश्यूज हैं और वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आपको ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट्स और ये वो सारी चीजें सबके माइंड में होंगी, हम सबके माइंड में हैं, बट जो चीजें जरूरी हो जाती हैं वो फिर करनी पड़ती हैं, तो ये आपको भी करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी जो है ना वो ऑन कैंपस क्लासेस जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएंगे।
सेकेंड एक और चीज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वैक्सीनेशन और ऑन कैंपस आने की आदत डालना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा जो थ्योरेटिकल कोर्स है इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, हमारा खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रह गया, बस एक दो ज्वाइंट्स हमारे रह गए हैं करने वाले। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स हैं और प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मैंने ऑन कैंपस कराने हैं, मैं उसमें हाइब्रिड की ऑप्शन जो है वो नहीं दूंगी। तो आपको कैंपस में ही आके जो है वो ग्रुप्स के फॉर्म में ही होगा, हम सारों को इकट्ठा नहीं बुलाएंगे, बट वो जब आपने कैंपस में आके लेने हैं तो उसके लिए आपको फिर यहाँ आना भी पड़ेगा और उसके लिए कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो करवानी है। तो आप अपनी ये जो स्टेटस है क्या वैक्सीनेशन का, इसको जितनी जल्दी हो सकते है इसको कंप्लीट करें, एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो आपकी होनी चाहिए कैंपस में आने के लिए। तो आप इसको जो है ना वो सीरियसली लें और कैंपस में जो है ना वो वापस अपनी स्टडीज को रिज्यूम करें। ठीक है बेटा, और किसी ने यहाँ पे कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो? हाँ जी बोलिए बेटा। मैम, थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैम पिछली क्लास में ना मेरी एब्सेंट लग गई थी, तो मैम वो मेरा मतलब मैम रात से लाइट नहीं थी, तो इसलिए ना मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी थी। मैम प्लीज अगर आपको प्रेजेंट कर दे मेरी। अच्छा कोई बात नहीं, वो हो जाएगा कंपनसेट, अगली वाले कोई ना किसी किसी ना किसी अटेंडेंस के अंदर जो है ना वो कंपनसेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके चलें, ठीक है बेटा जी, मैं इसको लेक्चर को एंड करने लगी हूँ, इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। आपका कोर्स बहुत लेंथी है ये मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें, एग्जाम्स में जो है ना वो आपके लिए बर्डन ज्यादा हो जाएगा। फिर ये ना कहिएगा कि जी बहुत ज्यादा सिलेबस है, मैं आपको हर दफा कहती हूँ कि साथ के साथ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम होगा तो अगली दफा जरूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, अल्लाह हाफिज़।